Uh, दोनों से मैं जानना चाहूँगा uh, पहले मिज़ान से uh, मिज़ान uh, आपके पिताजी ने uh, जावेद सर ने अस्सी के दशक में uh, फिल्मों में कदम रखा था uh, पैंतीस साल बाद आप आ रहे हैं पर्दे पर uh, क्या कुछ आपने उनसे इम्बाइब किया है क्या कुछ आपने उनसे सीखा है uh, अभिनय का जब आपने निर्णय लिया तो उन्होंने क्या कुछ आपको कहा और क्या इस बात का मलाल आपको है कि पापा जो ग्लोरी uh, डिज़र्व करते थे अपने uh, uh, फिल्मों में आने के दौरान वो ग्लोरी उन्हें नहीं मिली और अब अब आपको वो करके दिखाना है कुछ बताएंगे इस बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एंडिया एंड देंस अ लॉट एंड आपका जवाब uh, जी नॉट ओनली मेरे पिताजी बट ऑल्सो मेरे दादाजी जो इंडस्ट्री में थे उन दोनों से जो सीख मुझे मिली है वो यू you नो know, वो जिंदगी भर मिलती रही है बचपन से मैंने देखा है यू नो एंड एक्चुअली ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा कि जो सीख मुझे मिली है वो मेरे दादा से मिली है एंड मेरे पिताजी को भी मेरे दादा से मिली है सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई ग्रैंड फादर फॉर नो एंड द सेकेंड योर क्वेश्चन वॉज जो पापा ने ड्यू जी जो ड्यू नहीं, नहीं मिला पापा को बट uh, इसलिए तो मैं आया हूं ना अभी अब मैं आ गया हूं, तो, you know, शर्मिन आपसे सवाल है कि संजय सर ने अभी स्टेज पे बताया कि आपका वजन काफी ज्यादा था और आप एडी थी और किस तरह का स्ट्रगल था जब आपने रियलाइज़ किया कि आपको एक्टर बनना है उस जर्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं और क्या कुछ बेला मैम से और संजय सर से आपने सीखा फिल्मों में कदम रखते वक्त तो मैंने बाजीराव मस्तानी पे असिस्ट किया था पहले मेरी कॉम पे फिर बाजीराव मस्तानी पे और उस दौरान मैंने बहुत 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 सारी चीज़ें सीखी है बाजीराव मस्तानी में बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने क्योंकि वो पिक्चर बहुत लंबी चली थी संजय सर से सबसे, सबसे ज़्यादा चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है हार्ड वर्क डेडिकेशन लिविंग ब्रीदिंग ईटिंग फिल्म उनके पैशन जो पैशन उनके पास है फिल्म के लिए मैंने किसी के पास नहीं उस 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 किस्म का पैशन देखा नहीं है मैंने तो उनसे वो लिया है मैंने और मेरी माँ से आई लव यू मॉम एंड डैड थैंक यू सो मच फॉर एवरी थिंग एंड वॉट हाइव लर्न फ्रॉम माई मदर द मोस्ट इज जस्ट बींग अ नाइस ह्यूमन बींग माई मदर इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग्स आई नो एंड दैट इज़ वट आई लर्न फ्रॉम द मोस्ट बाजीराम मस्तानी के दौरान उसे मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था मेरी कॉम के टाइम पे बहुत ज़्यादा था और मुझे मालूम नहीं था उस उस टाइम पे कि मैं हंड्रेड परसेंट मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था किसी और की ज़िंदगी जीने का बहुत शौक था बट मेरी कॉम के टाइम पे और बाजीराम मस्तानी के टाइम पे मुझे मालूम नहीं था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं मुझे लगता है संजय सर को भी नहीं मालूम था अगर मैं एक्टर बनूंगी कि नहीं उनको आई डोंट थिंक विश्वास था कि मैं कर पाऊंगी उस टाइम पे But I think जब उन्होंने देखा is when he के हाँ, मे लड़की में कुछ बात है है तो वो, वो ही रही रह की और और आप दोनों से एक छोटा सा सवाल और है कि ऐसा माना जाता है ऐसी चर्चा भी आजकल बहुत हो रही है पिछले दो तीन सालों से कि जो स्टार किड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में जो लोग पहले से होते हैं उनके बच्चों को आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है लीड एक्टर्स बन जाते हैं

बट एंड हाँ आप सही हो जो लोग जिन जिनको इंडस्ट्री में पहचान है उनके लिए आसान होता है बट उनको उतना हार्डवर्क भी डालना पड़ता है इन कंपैरिजन जो प्रेशर की बात करते हैं प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है एटलीस्ट फर्स्ट फिल्म के लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है बाद में ऑपरचुनिटी जल्दी मिलती है प्रेशर बढ़ बढ़ता ही जाता है क्योंकि फिर आप पहली फिल्म करते हो वहाँ पे प्रेशर है सेकंड फिल्म में आपको और भी बेटर करना पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली तो सिंसियरिटी ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ करो और अपने अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ मत करो तो वही है, है? रवि सर पहले ही बॉल में आप आउट करवाओगे क्या <laughs> <laughs> सीधा ही नेपोटिज्म का सवाल बट यस आई डू अग्री विथ हर एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डू हैव टू प्रूव माई सेल्फ वन आई परफॉर्म एंड इट्स अप टू द ऑडियंस एंड एवरी एल्स वेदर दे एक्सेप्ट मी वेदर दे लाइक मी यू नो And if there are a lot of people who've put in a lot of effort, and you know if the audience does not accept them, it's because of the hard work and you know their talent. so at the end of the day, it's your decision, aapke hat mein ho, to decide that ye nepotism ka jo jhaad hai, whether this is acceptable or no, whether we like him or no, you know, and we have a lot of other celebrities in the industry today who are an outcome of nepotism, and I wouldn't say they're bad celebrities, Old they're what? my favorite actors, you know so or celebrities yeah. who are not from the industry. there are lots of big yeah. names today of people that are not from the industry, like don't have film backgrounds, and they have, do, have worked hard and gotten ahead. so why can't somebody who's from the film background work hard and try and get ahead because they're passionate about something? thank you. all right. so uh, where do we... No, mangesa Mange wants to say, to say something. Really. Uh, uh, please, sir. sanjay narration diya tha script. और एक्टर कौन हो गया फिल्म में ये जब बात चल रही थी तब इन दोनों का नाम मेरे सामने आया मगर मुझे तभी एक बात बताई गई कि आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कि इन दोनों को ही फिल्म में लेना है आप आठ दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करो और आपको यदि लगता है कि बिंग एक्टर इनमें कुछ पोटेंशियल है तो ये बात आगे बढ़ाओ नहीं तो आपको जो दूसरे एक्टर लेने थे दूसरे एक्टर ले लो फिल्म में तो मैं हमने एक आठ दिन का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ किया और फिर मैंने बताया हाँ ये कर सकते हैं एक्टिंग तो जी हाँ और दूसरा एग्जांपल जैसे महावीर जी ने बताया कि मैं एक्चुअली मुंबई में थोड़ा रहता हूँ गांव में थोड़ा रहता हूँ और हालांकि संजय सर ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए फिल्म में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे खानदे पे रखी है और मेरा तो फिल्म लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है मिजान शर्मिन हाय अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक टीवी हियर एट द सेंटर आई सी यू हाय वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेलर आई मस्त से एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेलर माई क्वेश्चन टू यू फर्स्ट इज टू यू मिजान टू थाउजेंड फिफ्टीन में रिलीज हुई थी बाजीराव मस्तानी तब से लेकर चार साल की जो आपका एक जर्नी थी बिकॉज उस टाइम पर आपको संजय uh, जी ने कहा था वो आपको लॉन्च करेंगे उस जो एक चार साल की जर्नी में आपने अपने ऊपर कितना काम किया यू वर लर्निंग डांस और लाइक अदर स्टार्स डू योर जर्नी देन? Karne, kab karne, kab you know we always used to talk about it at home and you know we used to be nervous ke, yaar bannegi, bannegi, kya ho hai. you know so the first lesson I learned was to be really patient you know they, they say and you know it really worked for us and I feel those four years or five years that I spent waiting I'm today when I look back at it, I'm so glad that I did it because I have really evolved because that time gave me you know it it gave me time to Evolve as an actor, evolve as a person, you know, and uh, do those workshops with Mangesh sir. So even when we got the project, even after that, we thought, you know, pitcher bandri, bandri, and we waited for two years. But I'm so glad that Sanjay sir took that time and to really perfect it and really be happy with what we've done, you know, today. And I'm so glad we really took that time because the time I spent with Mangesh sir, he really, even Shaman and I both, and we did those workshops over the span of two years all around bombay so that really helped us and i feel as much time as you take it's better for you cuz you evolve so you should always be patient and you know try and do best lovely uh, shamin my question is to you also uh, there are so many celebs or star kids or people who are already making a buzz on social media even before their launch and you know uh, i don't find you on social media which is you know very not not weird, but yeah, it's it's different. So um any any particular reason for that? I mean Sanjay Sir said I unprivated my Instagram Instagram account last night, so now I am social media active. But Sanjay Sir has looked so one day we were on our way to like a family function and we were sitting in the car. Sanjay Sir was next to me, Nani was in the front, and he looked at me and he was like, Sharmin. You know, because he also, you know, we don't know this, but he also somewhere in his mind looks at things, looks at social media. We don't know when he does it, we don't know how he does it, he doesn't talk about it, but he does look at it. So he was just looking at me and we were talking about it, and he was like, you know, there's no need. Not right now, there's no need. Work, keep working, 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 and then everything else, the fame, the success, the followers, if you're good enough, all of that will come to you at some point, and you won't realize when it comes, and that will be a better feeling than trying to get it. So, for me, it's yeah. let my work speak, which is why last night was the night, because now the trailer is out and we all, the movie also needs to make money. So, we will promote it and we'll get on social media. But first, let them start off with seeing your work. I think the, f the first thing you're going to do is uh, post this. You will check on Google the comments oh. on your trailer.

डेब्यू कर रहे हैं सेमिया में कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन हर जगह होती है इट्स ओनली ऑफ ओन जर्नीज वेन आर चूजिंग टू डू वॉट वी वॉन्ट ऑफ आर लाइफ तो इट्स कॉम्पिटिशन एंड ईच पर्सन इज जस्ट फाइड टेकिंग दर ओन पाथ टू वर्ट डे थिंक इज गुड फॉर दमसेल्व सो प्रेशर या यास प्रेशर इट When lots of people want to do the same thing, the pressure increases monumentally because you think and you also compare your work to somebody else's work. And you don't, and on, honestly, when you're looking at your own work, there's no perspective. It's very difficult. But when you see somebody else's work, you're like, how is my work in comparison to theirs in your mind, at the back of your mind, somewhere? You make that comparison and you see where it is, where, where, where you stand, at least you try to. And that's where the pressure comes from and that's what the comparison is. Uh, honestly, the uh, only thing we need to be competing against is mizan's hair. Yeah. and how to get hair like that. Cat, dude. it's I what my hair wants to be. thank you. <laughs> we're going to take one okay. last question, uh, guys. one malal, last question. team malal, my sawal. this is simran singh. Here. first of all, congratulations to you guys. thank you, thank guys. you, thank you hi, so much. thank you. hi, hi. so the trailer is fantastic. Mera sawal, meh, uh, ki we always look upon our seniors or our parents. To, hum kuch karne jate, we have our influences. Or yeah, this is my observation. When I saw you on that scene, when you're dancing on that, it's it certainly reminds me of uh, Ji's that Mary Jang Jabunka entry hua tha. seriously. Gee, no, we honestly thought about that too when we were shooting it, and uh, I think secretly Master Ji had that plan when he was choreographing it. Okay. But uh, but uh, you know, I you, you're talking about inspiration. Yeah, who are yes, you? Have, so yeah. Exactly, when you have a Javed Jafri at home and when you have a Jagdeep at home, I don't think. You You need to look at at anyone else because it's an abundance of talent at home itself. Hmm. You know that I. Great. एक सवाल है कि इस फिल्म में देखा है अपार्ट फ्रॉम ऑल जो मुंबई का फ्लेवर जो सादगी जो है वो कहीं ना कहीं यू नो भाग जाती है So आपने अपनी जिंदगी के कितनी जो बोलते ना वी एफ

वो डॉक्टर ये दिमाग का हुआ हेलो बोलूं ना क्या क्या अह बेसिकली पता नहीं मतलब मैं इतना um, ज्यादा काम से रिलेटेड ही फिल्म लाइन से ताल्लुक रखता हूँ तो जो शायद सादगी uh, मतलब मेरी सिम्प्लीसिटी शायद उसमें आई होगी और uh, जो मैं कॉलेज में था जो मुझे प्यार हुआ था एक लड़की से तो वो उन दिनों की कुछ चीजें क्योंकि तभी जो पीरियड दिखा है 98 का तभी मैं कॉलेज में था तो उस समय की जो संवेदना है वो शायद रिफ्लेक्ट हुई होगी सर लाइट्स बहुत ब्राइट है वी कैन सी यू ब्लश फ्रॉम द ऑडियंस थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर क्वेश्चंस वी वर सैडली विदाउट अ टाइम वन मोर क्वेश्चन ओके फाइन Amazon अच्छा सॉरी सर माइक वहां जा चुका है हाय अनीता One uh, last question. So, my question to you is um, when it comes to all the younger actors who are making their debut in, uh, in the film industry, they're always papped and they're all around, they're spotted everywhere. But when it came to you, you kept a very low key. So, what is the reason? Was it a conscious decision from your end? This, the credit for this, actually, because I feel I'm glad that I did this, goes only to one man, and that is Sanjay Sir. You know, he, uh, I had an Instagram account, I was on social media before, but then he told me, he's like, you know, अगर तुम सब जगह दिखोगे, तो तुम्हें थिएटर में आने, यू नो you know, why all the people want to come to the theater to see you? You know, if you're, if you're seeing that ओ oh, मीज़ान ऐसा दिख रहा है, मीज़ान ऐसा चल रहा है, मीज़ान जिम के बाहर है, मीजान. people don't care मैं जिम जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, honestly, you know, but at the end of the day they want to see what मीज़ान looks like and that's what they've come now to see in Malal, you know, and if I've already exposed that on social media, which I i think people are doing and I don't think they should be doing But, uh, you know, and uh, I'm, I'm glad I did that. You know, I'm, I was not exposed on social media. And today, that, like you said, you know, today, I'm sure that before you came here, you must be thinking that, you know, what does Mizan look like? What does Mizan talk like? What does Mizan walk like? What does Shaman talk like? What does she look like? You know, what their personalities are going to be. So I feel that really comes out. And I'm glad that we, you know, exposed it the way we have. So Thank you. Can I say something? Sharmin, go ahead. Yeah. Um, it's also what he was talking about getting papped is like, why are they papping you? Why are they taking pictures of you before your movie has released? the, the, the We sir wanted, he wanted, I wanted the reason for it to be our work. So all of those things, yeah, of course they want to see what Yeah, like, like our work speaks for ourselves, you know, and that's what we want. I mean, what is the reason? My hoon kaun? you know, we always used to say Shyam and I used yeah. to tell each other like, and I photo, my hoon kaun? you know I have. Had a lot of people come up to me and they be like, Sir, a photo. Mm -hmm. And I'm like, mere Okay, you know I you They be like, Sir, a photo. I said, But, <laughs> you know, but now that I hope they will see this trailer and they will see the poster and they, I hope they go see the film as well, then I'm more than welcome to take pictures with you. But, Mizan, you know. Mizan, hi. We just spoke hi, about hi. your dad, a huge talent, and uh, not getting his due. And you said, yes. I'm here now. Yes. Okay, so you will. <laughs> so, how will you do it different? Uh,

a lot of people you know so um, i think i want to go with mizan because i feel my parents have given me a very unique name and it just completely stands out and it means balance and i think that uh, you know it's just a name by itself like mizan has no baggage to it has no uh, yeah extra baggage to it and i think that it's it's a new journey that i want to start just on my own and I'm so glad my parents have given me this name and, you know, helped me out. Wonderful. A huge round of applause, ladies and gentlemen. That's all the time that we have today. If there's any more photos that you guys need to take, please feel free to take pictures. question It's a love story, bro. backdrop <laughs> mein <laughs> 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 छोटा सा हिस्सा है उसका मगर मेन तो लव स्टोरी है जी ना, ना ना वो कुछ नहीं वंडरफुल थैंक यू सो मच